हाँ नमस्ते गाइस, आज मैं आपको फिज़िकल एजुकेशन का जो चैप्टर फर्स्ट है प्लस टू का, मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि उसमें जो फिक्स्चर है जिसको हम नोकआउट फिक्स्चर कहते हैं, कि वो कैसे मतलब किस हिसाब से वो बनाया जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि इसमें जो है सारे मैंने आपको फॉर्मूले दिए हुए हैं, सारे फॉर्मूले जो हैं बाई के अपर हाफ के और लोअर हाफ के फार्मूले एन बी माइनस वन पॉइंट टू। ये एन बी जो है नंबर ऑफ बाई है और ये नंबर ऑफ टीम्स हैं एन प्लस वन पॉइंट टू। ये लोअर हाफ और अपर हाफ की लाइन निकालने का फार्मूला है। तो बाई निकालने का फार्मूला है टू आर माइनस एन, जो टू आर माइनस एन है जो पूरा का पूरा टू आर है वो टू फोर एट सिक्सटीन या 32 है। ये हम इस हिसाब से देखेंगे कि अगर हमारे पास टीम 21 है तो हमें ज़्यादा वाला नंबर लेना है। ज़्यादा वाला नंबर है जैसे 21 से ज़्यादा कौन सा है? जी हाँ बिल्कुल, आप देख रहे हो कि 32 जो नंबर है वो 21 से ज़्यादा है। तो अगर आप अगर आपने बाई निकालनी है तो टू आर का मतलब 32 माइनस, और एन का मतलब है, एन का क्या मतलब है कि 21 नंबर ऑफ टीम्स। तो 32 माइनस 21 कितना हुआ? तो 31 माइनस सॉरी 32 माइनस 21 हुआ वन और वन 11। मतलब आपको 11 बाई लगेंगी, 11 बाई लगेंगी। और 11 बाई लगाने का तरीका जो है ये आप स्क्रीन पर यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट बाई जो है सबसे ऊपर वाले को दी जाएगी, सेकंड बाई सबसे नीचे वाले को, थर्ड बाय सेकंड वाले को और फोर्थ बाय थर्ड वाले को। तो ऐसे ऐसे करते हमारा पैटर्न चलता जाएगा। लाइन जो है मतलब फर्स्ट बाय सबसे ऊपर वाले को, सबसे ऊपर वाले फर्स्ट वाली टीम को, और सबसे नीचे वाली को सेकंड बाय, सबसे नीचे वाली जो है उसको सेकंड बाय। और जो लाइन के नीचे है, बिल्कुल नीचे है लाइन के, बिल्कुल जी हाँ दोस्तों लाइन के बिल्कुल नीचे है, उसको हम फोर्थ बाय देंगे। और लाइन के जो बिल्कुल ऊपर है उसको हम थर्ड बाई देंगे, ध्यान में रखिएगा। और इसी हिसाब से जो क्रम है वो चलता जाएगा और ऐसे हम 11 बाई देते चले जाएंगे। तो जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, तो ये देखिए बाई निकालने का फार्मूला है अपर हाफ और लोअर हाफ। ये बाई निकालने का फार्मूला है कि हम अपर हाफ की बाई कैसे निकालेंगे और लोअर हाफ की बाई कैसे निकालेंगे। और अगर आपने ये देखना है कि लाइन कैसे निकालनी, वैसे तो आप लाइन निकालिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पर आप ये फार्मूले अच्छे से रट लीजिए, याद कर लीजिए। तो अगर हमने लाइन निकालनी है तो अपर हाफ और लोअर हाफ की लाइन निकालने के लिए एन प्लस वन अपॉन टू और एन माइनस वन अपॉन टू, एन प्लस वन एन माइनस वन लोअर हाफ के लिए। तो इस हिसाब से हम अपनी आसानी से और इजीली हम अपनी लाइन निकाल लेंगे। तो ये मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, बट हमारे जो मैम थे हमारे जो मतलब मैम थे एक, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, बहुत अच्छे मैम थे फिज़िकल एजुकेशन के, उन्होंने मुझे पास में बुलाकर उन्होंने ये सब चीज़ें मुझको समझाई थी। तो अगर आपने मैचेस निकालने हैं, ये देखिए मैचेस निकालने का भी यहाँ पे फार्मूला है एन माइनस वन। देखिए अगर आप टीम आपके पास 20 है तो आप उसमें से एक माइनस कर दीजिए 19। अगर नॉकआउट में हमेशा एक मैच कम होता है टीम के, मतलब एक टीम को माइनस कर दीजिए तो आपका मैच का स्ट्रक्चर निकल आएगा। कि जैसे अगर आपके पास है 16 टीम्स हैं तो आप उसमें से एक माइनस कर दीजिए मतलब 15, तो आपकी 15 मैचेस होंगे, आपके 15 मैचेस होंगे। और अगर आपके पास 20 टीम्स हैं तो आप उसमें से एक माइनस कर दीजिए तो आपके पास 19 मैचेस होंगे। तो बड़ी इजीली आप इस चीज़ को देख सकते हैं। और ये 2, 4, 8, 16 और 32 ये क्या है, अब आप ये समझिए ये चीज़ क्या है। ये जो है ये हम नोकआउट में फिक्स्चर अगर बनाते हैं तो इसके इसमें हमें यूज़ करना होता है 2, 4, 8, 16 और 32। ये बहुत इजी तरीके से हम देख सकते हैं कि 2, 4, 8, 16 और 32 जो है कि इस हिसाब से जो फिक्स्चर है हमें देखना होता है कि हमें सबसे बड़ी वाली चीज़ लेनी हो। अगर आपके पास दो टीम्स हैं तो सिंपली मतलब सिर्फ आपका एक ही मैच होगा। अगर आपके पास चार टीम्स हैं तो आपके तीन मैचेस होंगे, तो उसमें बाई नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपके पास मतलब ये बाई लगाने में बहुत ही यूज़फुल होते हैं 2, 4, 8, 16 और 32, इसको भी आप याद कर सकते हैं। या वैसे ही आप याद तो ऐसे ही हो जाता है कि टू टू को फिर उसी से टू से मल्टीप्लाई किया, टू टू ज़ा फोर, फोर फोर ज़ा एट, एट एट ज़ा सिक्सटीन और सिक्सटीन सिक्सटीन ज़ा 32। तो इस हिसाब से ये फिक्स्चर जो है ये चलता है। तो बड़ी इजीली मतलब आप इस चीज़ को कैरी ऑन कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो आप बाई निकाल सकते हैं इस चीज़ से 2, 4, 8, 16 और 32। और ये सारे फार्मूले हैं, बड़े इजी फार्मूले हैं ये, एक बार आप इसको रट लीजिए ध्यान से,
मैं कह रहा हूँ आपके पक्का 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, आपके 5 नंबर हाथ में आएंगे बिल्कुल। एंड लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई और अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस और बढ़िया वीडियोस लेके आ सकूं और आप अच्छे से पढ़ सकें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।